गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। आई विल टीच यू इन दिस वीडियो सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। इसका मतलब हुआ कि मुझे आप इस वीडियो में मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल बताऊंगा और वो न्यूमेरिकल है उसका जो टॉपिक है न्यूमेरिकल का वो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है। तो यहां आप देखिए हमने सीरीज और पैरेलल की बात की थी लास्ट वीडियो में। एक सब जो कैपेसिटर होते हैं उनको टू टाइम से हम आपस में कंबाइन कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सम न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं, कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको बता रहा हूं। देखिए बोर्ड पर कह रहा है कि थ्री कैपेसिटर C1 C2 C3 कनेक्ट एज बिटवीन P एंड Q। देखिए कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर का, यहाँ तीन कैपेसिटर है C1 2 माइक्रोफेरड, C2 3 माइक्रोफेरड एंड C3 4 माइक्रोफेरड। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q। तो यह P एंड Q के इक्विवेलेंट हम P एंड Q के बिटवीन में क्या निकालना चाहते हैं, कैपेसिटेंस। तो देखिए क्या करना होगा, सबसे पहले ये देखना होगा कि ये तीनों जो कैपेसिटर हैं ये आपस में कनेक्ट कैसे हैं, ये सीरीज में है या पैरेलल है। तो देखिए सीरीज आपको ऐसे लग रहा है कि कभी कभी स्टूडेंट ये सोचने लगता है कि एक लाइन में आ रहे हैं सारे तो ये सीरीज हो जाती है, परंतु यहाँ सीरीज नहीं है। ये सारे तीनों जो कैपेसिटर हैं वो कैसे कनेक्ट है, पैरेलल टू ईच अदर। अब पैरेलल क्यों है उसको समझिए। पैरेलल की पहचान क्या होती है कि जितने भी कैपेसिटर होते हैं उनकी जो फर्स्ट प्लेट होती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कनेक्ट होती है और सेकेंड प्लेट जो होती है वो अदर पॉइंट पर कनेक्ट होती है। तो देखिए यहां पर देखें, ये जो पी पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, ये पी पॉइंट पर देखिए इस वाले कैपेसिटर की ये वाली फर्स्ट प्लेट कनेक्ट है यहां पर और इन दोनों की यहां से आकर के कनेक्ट है। सिमिलरली क्यू पॉइंट पर देखिए ये प्लेट कनेक्ट है और ये वाली और ये वाली इसके थ्रू कनेक्ट है। हेयर C1, C2 एंड C3 आर इन पैरेलल। तीनों जो है वो कैसे हैं, पैरेलल में है। देयरफॉर देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q देन CPQ इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 और 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 माइक्रोफेरड। 9 माइक्रोफेरड इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q। क्वेश्चन बहुत आता है जब मैं ये पूछा जाता है कि इस तरह से आपको फिगर देगा, वो कैपेसिटर देगा, इनकी कुछ वैल्यू दे देगा और आपसे पूछेगा व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए जरा और हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। देखिए कई कॉम्बिनेशन इस तरह से दिखाया जाएगा, इस क्वेश्चन में देखें आप, इस क्वेश्चन के अंदर 2 माइक्रोफेरड 4 माइक्रोफेरड 2 माइक्रोफेरड 3 माइक्रोफेरड 4 माइक्रोफेरड कनेक्ट एस एंड सिचुएशन कैसी है इसकी, ए और बी पॉइंट के बीच में वो सिचुएटेड है। क्या पूछना चाहता है, देन फाइंड द इक्विवेलेंट देन सीएबी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी डिटरमाइंड।
तो इसके लिए इस तरह का क्वेश्चन आपको आपको कहीं दिखाई दे रहा है तो आप उसके लिए कैसे करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या तरीका है कि आप देख रहे हैं कि यहां पर देखें आप ये जनरली कट ऑफ पॉइंट बोल दिए जाते हैं। अब ये जो साइड है ये वाली साइड फर्स्ट साइड राइट साइड है, ये राइट साइड हो गई और ये लेफ्ट साइड। राइट साइड के अंदर जितने भी आप कैपेसिटर यूज कर रहे हैं आप ये सारे सारे सीरीज में कनेक्ट है और लेफ्ट साइड में जो कैपेसिटर यूज कर रहे हैं वो भी सीरीज में कनेक्ट है, परंतु राइट साइड लेफ्ट साइड के साथ बाद में कैसे होगी पैरेलल में होगी। तो पहले वन साइड के का सॉल्यूशन कर लेते हैं फिर सेकंड साइड सॉल्यूशन कर लेते हैं उसके बाद में दोनों को हम पैरेलल में जोड़ देते हैं तो वह इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाता है। हियर इन राइट साइड द 2 माइक्रोफेरड 4 माइक्रोफेरड एंड 3 माइक्रोफेरड आर इन सीरीज देन सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वन अपॉन सी वन इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 4 प्लस 1/3 एलसीएम क्या आएगा कैल्शियम आएगा 2 4 ठीक है 3 2 1 2 3 क्या आ गया 12। ये कैल्शियम ले लिया आपने अब सॉल्यूशन कर दिया मैथमेटिक्स के C1 is equal to 12/13 माइक्रोफेरड दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। क्या किया हमने कि राइट साइड में जो हमारे कैपेसिटर थे पहले उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ले लिया वो क्या आ गया आपका ये 2 माइक्रोफेरड 4 माइक्रोफेरड एंड 3 माइक्रोफेरड और कनेक्ट इन सीरीज देन इन इक्विवेलेंट कैपेसिटर इज C1 दैट C1 इज इक्वल टू दिस। सिमिलरली द कैपेसिटेंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड C2 1/C2 बिकॉज 2 माइक्रोफेरड 4 माइक्रोफेरड आर कनेक्टिंग सीरीज हेयर देयर फोर 1/C2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 4 एक्स एलसीएम 2 प्लस 1 3/4 1/C2 देयर फोर C2 इज इक्वल टू 4/3 माइक्रोफेरड। C1 और C2 कनेक्ट इन पैरेलल देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B हेयर C1 पैरेलल टू C2 देन CAB टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू C1 प्लस C2 C1 12/13 प्लस C2 4/3 39 13 12/3 प्लस 13/4 इज इक्वल टू 36 प्लस अपॉन 39 आफ्टर सॉल्यूशन वी गेट CAB इज इक्वल टू 39 अपॉन 8 माइक्रो
दैट इज ए रिक्वायर्ड आंसर। और आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कैपेसिटर, दिस कैपेसिटर कनेक्ट एस और दिस कैपेसिटर कनेक्ट एस। ए डी 2 माइक्रोफेरड, 6 माइक्रोफेरड, 3 माइक्रोफेरड, 9 माइक्रोफेरड, 5 माइक्रोफेरड, देर आर सम कैपेसिटर कनेक्ट बिटवीन ए एंड बी एस, देन फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन देन सी ए बी इज इक्वल टू वन। अब इस कॉम्बिनेशन को देखिए, इस कॉम्बिनेशन के अंदर एक आपको मैं मैथमेटिक्स पर थोड़ा सा एक व्हीटस्टोन ब्रिज जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां पर एक अरेंजमेंट है टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर बाय द व्हीटस्टोन ब्रिज। तो थोड़ा सा उसको लेके चल रहे हैं हम यहां पर केवल, तो इसको मैं अपने केस में पी के लिए पी मान रहा हूं, इसको पी, दिस क्यू और दिस आर, पी क्यू दैट आर और दैट इज एस, इसको मैंने पी मान लिया, इसको क्यू मान लिया, इसको आर मान लिया, इसको कॉमन रहने दिया। अब ये जो विभिन्न अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम थोड़ी देर के लिए इस तरह से लिख सकते हैं या इस तरह से इसको दोबारा से हम क्या कर सकते हैं, ये जो विभिन्न अरेंजमेंट है इस अरेंजमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हमें ऐसे अरेंज कर दिए। देखिए ये जो साइड है ये पी है, ये पी यहां पर है 2 माइक्रोफेरड, क्यू 6 माइक्रोफेरड, आर 3 माइक्रोफेरड, एस 9 माइक्रोफेरड और दिस 5 माइक्रोफेरड। यहां पर एक बैलेंस कंडीशन होती है जिसको व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन कहते हैं। इफ पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, देन दिस कैपेसिटर इज यूजलेस हियर, यहां इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी क्योंकि इस डायगोनल में करंट नहीं जाती है। ये थोड़ा सा आप आगे समझेंगे, तो केवल हमें यह समझना है कि अगर ये दोनों आर्म हैं, इनकी जो कैपेसिटेंस है उनका जो रेशियो है वो शेष जो आर्म है उनकी कैपेसिटेंस के रेशियो के इक्वल है, तो ये जो आपका कैपेसिटर होगा इसको आप छोड़ देंगे, इसके अंदर कोई भी इसको हम अपने कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। तो हेयर पी अपॉन क्यू 2/6 इज 1/3, 3/9 इज 1/3, इसका मतलब वो वाली जो कंडीशन है बैलेंस कंडीशन वो फॉलो हो रही है। ठीक है, हेयर पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, हेंस 5 माइक्रोफेरड कैपेसिटर इज यूजलेस, इसका हमें कोई यूज नहीं होगा 5 माइक्रोफेरड। अब इसमें क्या करना है हमें, देखिए ये पी और क्यू करेंट इन सीरीज, आर एंड एस करेंट इन सीरीज, तो पी और क्यू का हम क्या करेंगे, पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लेंगे। हेयर पी एंड क्यू आर इन सीरीज,
tan 1 upon C1 is equal to 1 upon 2 plus 1 upon 6. LCM 6, 3, 1, 4 by 6. Or C1 is equal to 6 by 4, 3 by 2 microfarad. Similarly, R and S and R, similarly, R and S are in series. Therefore, C2 is equal to 1 upon C2 is equal to 1 upon 3 plus 1 upon 9. 9, 3, 1, 4 I for 9. Therefore, C2 is equal to 9 by 4 microfarad. C, that is useless. इसको यूज नहीं करेंगे हम. रीजन है केवल आप यहां पर इसी को लेकर चलेंगे. C1 और C2 पैरेलल टू ईच अदर हियर. बट C1 पैरेलल टू C2 देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी देन सीएबी इक्वल टू C1 प्लस C2. C1 की वैल्यू क्या आई थी? C1 की वैल्यू थी आपकी 1, 3 और 6 थे. तो 3, 6 का मतलब होता था 6, 2 प्लस 1, 6 बाई 4 था, 3 था, 6 बाई 2 और 6 था, 2 और 6, 3, 4 बाई 6 था, 4 बाई 6, तो 6 बाई 4 था, 3 बाई 2 था. तो 3 बाई 2 प्लस 9 बाई 4, दैट इज 4. एलसीएम 2, 6 प्लस 9, 15 बाई 4, 15 बाई 4 माइक्रोफैरड इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी.